बाद मुख्यमंत्री और उसकी सरकार किसानों को हुए घाटे के लिए उत्तरदायी रामपाल। किसान कल्याण के संबंध में कानून बनाने के लिए भारतीय संविधान ने राज्यों को अधिकार दृष्टि से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है। इस पर सरकार द्वारा वर्ष 2000 से कृषि सुधारों के लिए विचार मंथन के उपरांत आदर्श कृषि उपज अधिनियम 2017 का प्रारूप तैयार कर क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2018 में राज कर दिया गया। उसके आधार पर राजस्थान आदर्श कृषि उपज एवं पशुपालन सुविधा अधिनियम 2018 का प्रारूप तैयार किया गया, जो अभी सरकार की अलमारी में बंद है। इसके प्रावधान कारण इस अधिनियम को पारित करने से किसानों को अपनी उपजें घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य में बेचनी नहीं पड़ेगी। अभी खरीफ की फसलों में घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से मूंग 1700 बाज प्रति क्विंटल कम दामों में बेचने को किसान विवश है। यह स्थिति खरीफ की कपास जैसी अन्य उपजी इसी वर्ष सरसों एवं चना की उपजों में 1000 से लेकर 1300 रुपए प्रति क्विंटल का घाटा उठाना पड़ा। सरकार द्वारा भावांतर भुगतान का विकल्प का चयन नहीं करने के कारण किसानों को सरसों की घाटा पूर्ति द्वारा दी जाने वाली अंतर्राशि का भुगतान भी प्राप्त नहीं हो सका। कई वर्षों में किसानों को अपना बाजरा एवं क्विंटल पर 1000 से अधिक का घाटा उठाकर बेचना पड़ा। आदर्श कृषि उपज एवं पशुपालन अधिनियम 2018 का राज्य द्वारा प्रारूप किया गया था, किंतु विधानसभा में पारित नहीं होने के कारण किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्राप्ति हो सकी। परिणामतः किसानों को अपने उपजों को कम दामों पर बेचने को बाध्य होना पड़ा। इससे वर्ष 2019 से मुख्यमंत्री तथा उनके मंत्रिमंडल के सदस्य दोषी हैं। कनैतिक उत्तरदायित्व लेते हुए इस घाटे की भरपाई अंतर्राशि देकर करनी चाहिए, अन्यथा किसान नाग अलाप बंद करना चाहिए। हाँ बताएं सर, आपकी क्या समस्या है और क्या मांग है? सर मेरे को बेड फाइनेंस से मेरे को केसीसी बनाने का कोई आदमी, उसकी कंपनी का आदमी आ गया और मैं केसीसी का चक्कर में, जैसे क्रेडिट कार्ड कहते हैं, मैं तो ये सही समझता हूँ, पढ़ा लिखा तो अभी मैडम ये देखे बोले ठीक है, बोले 8% में आपको ब्याज में केसीसी मिलेगा और आपको थोड़ा बढ़ा के पैसे दे देगा। ठीक है सर, हमने देख चले गए, हमारे कागज ले लिए, जमा में दी नक्शा और खाली चेक भी ले लिए और हमारे से वहाँ लिखा पिटाई कराई, जो बेचारनामा भी कर लिया, एग्रीमेंट भी कर लिया, पावर ऑफ अटॉर्नी भी कर लिया और इंग्लिश में ये कोई लोन पास किया है उसने, तो हमने लोन करवाया 35 लाख का, वो आपको कोई 35 लाख रुपए दे देता हूँ, तो भाई 35 दे देना, तो 35 की जगह हमारे को 31 लाख रुपये डाले, 6 महीने में हमारे को पैसे डाले उसने, 6 महीने के डालने पर मैं हाथ अजोड़ी करे साहब आप वापस ले लो हमारे पास पैसे की, ये एक साथ देते तो हम कोई किसी काम में लेते, लाख का 2 लाख का 4 लाख का 3 लाख का ऐसे देते देते हमारे को 6 महीने में चाहिए। फिर बाद में साहब हमारे को साहब एजेंटों ने बोला, बोले आपके 3.5 लाख रुपये लगेंगे आपके कागजों के, हम उस एजेंटों को कागजों के बैंक से कटवा के खाता में डायरेक्ट डाले, चेक तो हमारे को दिए नहीं थे, डाल दिया हमने कटवा के, वो उनको 3.5 लाख रुपये वापस दे दी, अब वो ले जाके हमारे पावर ऑफ अटॉर्नी करवा ली, मेरी जमीन पूरी ये मेरे कंधू से काट के उसको रख ली, मैंने पैसे लेके मैं कोर्ट में नोटिस गया, मैं कोर्ट में गया, कोर्ट में गया, वकील से बात करी, वकील से बात करी, जब वो उस वकील से उनका वकील से बात करी, जनाब वो बोले भाई मैं आपका सेटलमेंट करवा देता हूँ इसका, मैंने उनको दे दिए 11.5 लाख रुपये, 11.5 लाख रुपये दे चुका, हमारे को रसीद नहीं दी, एक भी रसीद नहीं दी लेके, बोले आपके राउंड में आएंगे उस दिन दे जाएंगे। नहीं, जब ये घटना आपके साथ हो रही तो क्या आपने किसी की राय लेना नहीं समझा? नहीं साहब, मैं तो एजेंट ने बोला आपका कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को तो बोले हम तो किसान थे साहब, हमें तो पढ़े लिखे तो। अब क्या आश्वासन देते हैं वो? अब वो आश्वासन दिया मैंने उनके वकील से, हमारे वकील कोर्ट से, हम कोर्ट का मैंने हमारा मदद करे, हमारे जो हम तो जाके वहाँ कोर्ट में गए तो वकील कह रहे आपके आपके तो फिर मुकदमा दर्ज है तो आपको तो गिरफ्तार वारंट है, गिरफ्तार वारंट है तो साहब मेरी जमानत करवा दो साहब, वकील साहब मुझे बोले साहब मेरी गिरफ्तार वारंट है तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा, मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखा भी बहुत परेशान हो रहा हूँ मैं, बहुत तागत के बारे दे रहा हूँ मैं कि मेरी हिम्मत ये हो रही है कि मेरी मानसिकता भी बिल्कुल कमज़ोर हुई है, 20 दिन हो गए हमारे बुखार चढ़ रही है, गोली खाता हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल से लेता हूँ मैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाबा लायक भी नहीं हूँ, बाद में उनको ले गया तो वो सेटलमेंट के ले गया तो मेरे को तो ये बोला कि तुम मर जाओगे तो तुम्हारे बच्चे आएंगे। आपने जब 11 लाख रुपए दिए तब भी कोई लिखा पड़ी? नहीं नहीं, लिखा पड़ी नहीं थी उसे, मेरे को तो एक रसीद भी नहीं थी और इसे बोला तुम मर जाओगे तुम्हारे बच्चे आएंगे, मैं 2 वकीलों को लेके गया था लेकिन मेरे तो सुनाई नहीं की उसने कि 1.48 करोड़ रुपए आएगा जब तेरे को NOC मिलेंगे। अभी इस टाइम कोई कागज है आपके पास? अब साहब कागज तो साहब मंगवाई साहब दिन जय आगे साहब, मैं तो कोटा में रोजीना पर रहा था,
मेरी औरत है, मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, मानसिकता से ऐसे हो गए कि जाते ही मेरे को पूछेंगे पापा क्या हुआ, तो मैं क्या कहूँगा उनको। ठीक है, अपना परिचय दे दीजिए। क्या कहूँगा मैं, आप बोलो। मैं रामकांत चौधरी हूँ, बशीर का जमीन को पूरी को मेरे हाथ काट के बैठा है उसने। अब बोलो क्या करो भाई। आज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाने के लिए मंडी कानूनों में संशोधन को लेकर है, जिसके लिए राजस्थान के किसान 2019 से राजस्थान सरकार से अनुरोध लेकर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी उन्होंने काम नहीं किया। और हमने कहा है जो सरकार किसानों का जिस मात्रा में सहयोग करेगी, किसान भी उसी मात्रा में सरकार का सहयोग करेंगे। यदि आपने कानून बना दिया तो आपकी पुनरावृत्ति को कोई रोक नहीं पाएगा, और ये कानून नहीं बनाया तो आपका संदेश बढ़ा ही रहेगा। इसलिए यदि किसानों का सहयोग लेना हो तो आप किसानों के साथ खड़े हो जाओ, आपको मैं मुआवजा मिले, मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा में पैसा मिले, और पैसा किसानों की जेब से कट रहा है, अनिवार्य काम दिया घटना। इसलिए आप इस राष्ट्र को छोड़ो, और ये जो है फ्री बांटना, रेवड़िया बांटना, इसको भी छोड़ो, इसके आधार पर मैं राष्ट्र नहीं पाऊ। रामपाल जी, चुनाव आ रहे हैं, आचार संहिता लगने वाली है, आप लोगों की मांगे नहीं मानेंगे तो आप क्या कदम उठाएंगे? ये सही है, अभी चुनाव आपके लिए आचार संहिता आने वाली है, और हम जो काम बता रहे एक दिन का काम है, अध्यादेश लाना राजस्थान सरकार, एक दिन में अध्यादेश ला सकती है, दो घंटे ज्यादा काम नहीं, तो अध्यादेश ले आओ, हम आपके साथ हो जाएंगे। और नहीं किया तो राजस्थान का किसान आपके साथ खड़ा दिखाई नहीं देगा, और किसान खड़ा दिखाई नहीं देगा तो किसान आपको सहयोग भी नहीं करेगा, और सहयोग नहीं करेगा तो आप बार बार ऑर्डर रिपीट होंगे, आपका ये स्वप्न धराशायी हो जाएगा। इसलिए अच्छा हो कि आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हो, तो अभी भी दो दिन तो है, तो दो दिन आप कर सकते हैं काम, जब एक दिन में जिले बना सकते हो तो भाई इसमें तो कोई मुश्किल है ही नहीं, अध्यादेश है छोटा सा, वो ले आओ, और वो भी संशोधन का। इसलिए इसके लिए हमने आप एक प्रेस वार्ता रखी है, और दूसरा हमारा झोंक वाले के कई मित्र है जो लगा हुआ, हमने एक ठगी के शिकार हुए, ये सब पीड़ित लोग हैं, ये 8-10 लोग आए, इनमें से जो भी आपकी साक्षात्कार कर गया है